क्या बोल रहा था अभी आपको, मूसी के नाम पे मुसीबत ला दिए गरीबों के घर पे। हम लोग अत्तापुर में, हैदर शाह कोर्ट में, हैदरगुड़ा में, हर जगह जो मूसी के इतराफ जितना भी 40-50 साल से वहाँ बसे हुए जितने हमारे भाई है बहन है, वो लोग पूरे यहाँ चल के आए थे। इससे पहले चंद दिन पहले यहाँ पे आए थे। गरीब है, लाचार है, वो आके हमसे कह रहे हैं, भाई हम तो देख रहे थे, सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर बुलडोजर चला रहे कहते, हम लोग देख रहे थे इतने साल, बट पहली बार आज तेलंगाना में हमारे घर भी बुलडोजर आ रहा। केसीआर साहब कहाँ हैं आप, आके हमको बचा लो बोल के आज तेलंगाना के गरीब आज पुकार रहे हैं। तेलंगाना के हर कोई इंसान जो आज कांग्रेस पार्टी की जो कैंपेन थी एक हथेली में जन्नत दिखा के, रंगीन ख्वाब दिखा के, हर किसी को ये देता हूँ वो देता हूँ ये भी दे देता हूँ बोल के आपको एक साल पहले एक हसीन ख्वाब दिखा के जो वोट हड़प लिए, आज हर कोई नाराज है कांग्रेस पार्टी के साथ। आप एक मिनट के लिए सोचिए, किसान भाइयों के साथ वादा किया गया था रेवंत रेड्डी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी चल के आए, आगे वरंगल आए, वरंगल में क्या वादा करे, 9 दिसंबर जिस दिन सोनिया जी की जन्मदिन है उसी दिन दस्तखत करेंगे और किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। दिसंबर तो चला गया, 9 दिसंबर, अब फिर एक बार आ रहा दिसंबर 9 तारीख, और 2 महीने में फिर आया था। आज तक किसानों का कर्ज माफी नहीं किया। वादा यह भी किया गया था बच्चों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे उनको कहा गया, आप केसीआर को नौकरी से हटा दो आपको नौकरी मिलती। बोले पहले ही साल, एक ही साल में स्वयं राहुल गांधी बोले, कोई और नहीं, अशोकनगर आए, अशोकनगर में चाय पीते बन खाते हुए बोले राहुल गांधी, एक साल में, पहली साल में 2 लाख नौजवानों को मैं दिलाता हूं, मेरी गारंटी है बोले। अब फिर एक साल होने को आ रहा, 2 लाख नहीं, बस दो आदमियों को नौकरी मिले, एक नौकरी मिला रेवंत रेड्डी को, दूसरा नौकरी मिला राहुल गांधी को, बच्चों को तो किसी को नौकरी तो नहीं मिला आज तक। 2 लाख बोले, 2 नौकरी भी नहीं दिए। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं, किसान के साथ धोखा, हमारे नौजवान बच्चों के साथ धोखा, हमारे बहनों के साथ भी धोखा किया। हमारे बहनों को बोला गया, खवातीनों को, क्या बोले रेवंत रेड्डी, इंदिरम्मा पेर जब पितुना मी अंदर की महालक्ष्मी पथकम दीस्कोस्ता नेला को 2,500 मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूं, 1,67 लाख मंदी आड़पिलल, एक नहीं दो नहीं 18 साल के ऊपर जितने हमारे बहन है 1,60,00,000 से ज्यादा है। आप सबके साथ वादा किया गया कि हर महीना आपको 2,500 रुपया महालक्ष्मी करके अकाउंट खोला जाएगा और हर किसी को 2,500 देंगे। मिला किसी को 2,500 यहाँ पे? मिला क्या? थोड़ा कसके बोलिए फिर, अगर नहीं मिला तो कसके बोलो, मिला कि नहीं मिला? ఒక్కలకూడా రాలే, 1,67,00,000 మంది ఆడపిల్లలకు మాట ఇచ్చిండు, ఒక్కలకు కూడా పైసలు వేయలే, ముసలోళ్ళకు మాట ఇచ్చిండు, ఏమన్నాడు కేసీఆర్ 2,000 ఇస్తుండు నేను 4,000 ఇస్తా అన్నాడు, కేసీఆర్ ముసలోనికి ఇస్తుండు లేకపోతే ముసలవ్వకి ఇస్తున్నాడు నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు, ఇంట్లో ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు, మీ కొడుకో బిడ్డనో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉంటే అయినా సరే నేను ఇస్తా అన్నాడు, మరి ఒక్కలకన్నా వచ్చిందా 4,000? ఉన్న 2,000 ఎగ్గొట్టుడే తప్ప 4,000 ఇచ్చే ముఖం అయితే కాదు. ఉన్న రైతు బంధే ఇస్తలేడు, రుణమాఫీ ఎక్కడిది, రైతు బంధు వెంచుడు ఎక్కడిది, అది కూడా దిక్కులేదు.